नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। हंदवाड़ा के बोधपुरा जंगल से 2 आईईडी बरामद। 17 जुलाई एएनआई भारतीय सेना ने हंदवाड़ा पुलिस के साथ एक संयुक्त अभियान में सोमवार सुबह एक तलाशी अभियान के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग 701 के पास बोधपुरा जंगल से 2 इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस बरामद किए हैं। एक पुलिस ने कहा, क्षेत्र को तुरंत पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ घेर लिया गया और आईईडी विस्फोट करने के लिए एक बम निरोधक टीम को बुलाया गया। पुलिस ने आगे बताया कि किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं है। एक गुप्त सूचना पर कार्यवाही करते हुए भारतीय सेना और हंदवाड़ा पुलिस ने सोमवार तड़के बोधपुरा जंगल में एक तेज और अच्छी तरह से समन्वित खोज और विनाश अभियान शुरू किया। पुलिस के बयान में कहा गया है कि ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप जंगल क्षेत्र में छिपाए गए लगभग 5 और 7 किलोग्राम के 2 अत्याधुनिक आईईडी बरामद हुए हैं। टीम ने तुरंत पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ क्षेत्र को घेर लिया। बयान में कहा गया, आईईडी की सकारात्मक पहचान विस्फोटक डिटेक्टरों और आर्मी डॉग से लैस भारतीय सेना की उच्च प्रशिक्षित विस्फोटक पहचान टीम द्वारा की गई थी। सुरक्षा बलों और पुलिस ने क्षेत्र में छिपे किसी भी अन्य आईईडी या आतंकवादियों की तलाश के लिए दिन में एक गहन अभियान फिर से शुरू किया। इसमें कहा गया, सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम की त्वरित कार्रवाई से इलाके में बड़ी घटना टल गई। इस बीच भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोमवार को पुंछ सेक्टर में कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखने के बाद नियंत्रण रेखा पर तलाशी अभियान शुरू किया। पुलिस के मुताबिक सोमवार सुबह शुरू किया गया तलाशी अभियान जारी था। पुलिस ने कहा, एलओसी पर संदिग्ध गतिविधि देखे जाने के बाद पुंछ सेक्टर में एलओसी पर भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का तलाशी अभियान चल रहा है। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।